आइए जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2022 का महीना। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना अनुकूल फल देने के योग बनाएगा। माह की शुरुआत में ही आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में स्थित होते हुए आपको इस माह करियर में अच्छे अवसर देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही मंगल ग्रह का भी आपके दसवें भाव में स्थित होना और आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपको वाहन प्राप्ति के योग बना रहा है। हालांकि इस माह मंगल की दृष्टि भी आपके परिवार के भाव पर होने से आपको घर परिवार में कुछ विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में घर या किसी सदस्य से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय को अकेले लेने से बचे और परिवार में सदस्यों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी कार्य को करें या किसी निर्णय पर पहुंचे। इसके अलावा इस माह आपको घर पर रहते हुए अपने गुस्से पर काबू रखने की भी अधिक जरूरत होगी। अन्यथा आप न चाहते हुए भी घर के सदस्यों को कुछ गलत बोलते हुए उन्हें आहत कर सकते हैं। शिक्षा व करियर के दृष्टिकोण से यह माह सिंह राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहने वाला है। इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में मदद मिल सकेगी। परंतु शनिदेव की दृष्टि गुरु बृहस्पति पर आठवें भाव में होने से उन्हें अपना ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में कुछ परेशानी हो सकती है। हालांकि इस समय सूर्य देव की कृपा जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अनुकूलता देने का कार्य करेगी, तो वहीं सूर्य और शुक्र का एक साथ आपके प्रथम भाव में युति करना भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त होने के योग बना रहा है। व्यापार व नौकरी सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल फल देने के योग बनाएगा, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में स्थित होते हुए आपको इस माह करियर में अच्छे अवसर देने का कार्य करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर दूसरों से जमकर सराहना मिलेगी। इस समय आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप मार्केट में एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपके शत्रु भी सक्रिय होंगे, परंतु वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस समय जरूरत पड़ने पर किसी बड़े बुजुर्ग या किसी विशेषज्ञ की सलाह भी लेना आपको भविष्य में मुनाफा होने के योग बनाएगा। व्यापारी जातक भी इस माह मार्केट में ग्राहकों को लुभाने और उन्हें संतुष्ट रखने में सफल होंगे। साथ ही वो जातक जो अपने धन को किसी बड़े निवेश में लगाने का सोच रहे थे, उन्हें अभी किसी भी बड़े निर्णय को लेने से बचना होगा। यदि निवेश करना बेहद जरूरी हो तो किसी बड़े या विशेषज्ञ से सलाह मशवरे के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। प्रेम व वैवाहिक ये माह सिंह राशि के प्रेमी और शादीशुदा दोनों ही जातकों के लिए मिलेजुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि के आठवें भाव में उपस्थित होंगे और साथ ही प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी इस अवधि में आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ युति करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप प्रेमी जातकों को अपनी लव लाइफ में मनमुटाव होने की संभावना है, परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव पुनः अपना गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव से निकलकर आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो परिस्थितियों में कुछ सुधार आने के योग बनेंगे। इससे आप अपने स्वभाव में आए सही बदलाव कर अपने प्रियतम को मनाने का हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। हालांकि प्रेम में पड़े वो जातक जो लंबे समय से किसी रिलेशन में है, उन्हें ये माह अच्छा अवसर देगा। स्वास्थ्य जीवन सिंह राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपकी सेहत के लिहाज से मिलाजुला ही रहने वाला है। इस माह शनि देव अपनी ही मकर राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपच, एसिडिटी, गैस आदि की कुछ परेशानी रह सकती है। इस माह आपको मानसिक तनाव रहने की भी आशंका है, तथा कोई न कोई बात आपको परेशान कर सकती है।
सितंबर माह के लिए उपाय, सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दे और गायत्री मंत्र का एक माला जप करें। सिंह राशि का शुभ अंक 4, 13, 22 रहेगा और शुभ रंग नारंगी रहेगा। प्रिय दर्शक, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभार। जय श्री कृष्णा।